भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका निशा उपाध्याय को रात में कल गोली लग गई। छपरा में गाना गाने गई थी, और लेकिन निशा उपाध्याय के बारे में आपको बता दूं कि निशा उपाध्याय बहुत ही कम समय में एक अलग पहचान बनाई है। भोजपुरी दुनिया में अलग अलग बड़े बड़े मंचों पर कभी गोलू राजा के संग, तो कभी अनुपमा यादव के संग, तो कभी शिवेश मिश्रा के साथ, तो कभी कभी ऐसे ऐसे कलाकारों के संग अपने गायकी बिखेरी, जिसकी चर्चा रोज होती है। निशा उपाध्याय हर रोज जा करके कहीं न कहीं बड़े बड़े मंचों पे लोगों को एंटरटेनमेंट करने का काम करती थी, लेकिन आपको बता दूं कि बीते दिनों यानी कल निशा उपाध्याय को गोली लग जाती है। लोग सोच रहे होंगे कि आखिर निशा उपाध्याय को अचानक गोली कैसे लगी, तो मैं आपको बता दूं, निशा उपाध्याय छपरा के एक गाँव में गई थी गाना गाने के लिए। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लड़के थे जो आपस में गाने को सुन सुन करके डांस कर रहे होते हैं, लेकिन उसी में एक व्यक्ति अपने हाथों में असलहा लिया होता है, यानी भोजपुरी में पहले तो कट्टा लिया होता है, और कट्टा लेने के बाद लगातार कई ऐसे गानों पे नाचता रहा और हर्ष फायरिंग करता रहा। नाचने वाला व्यक्ति जब हर्ष फायरिंग शुरू किया, उसी बीच में गोली जाकर के निशा उपाध्याय को लग गई। उस समय निशा उपाध्याय को कुछ ही क्षण तक महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद भी एक गाना लगातार गई। लेकिन निशा उपाध्याय को क्या पता था कि मेरी हालत इस तरह से हो जाएगी। जब वो घर जाती हैं, घर जाने के बाद पता चलता है कि यार मुझे तो गोली लगी है, उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि भोजपुरी दुनिया में हर रोज कहीं न कहीं ऐसे देखने को मिलते हैं, कभी कोई गोली चला देता है, कोई कोई उसकी गोली चला देता है। आपको बता दूं कि भोजपुरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब कोई अलग अलग गीतों पे सुन करके इस तरह से मस्त हो जाता है कि अपने हाथों में रखी हुई बंदूक को कहाँ चला देता है पता नहीं चलता। बता दो कि 2 साल पहले भी गाना गाते समय गोलू राजा को गोली लगी थी। होता यूं है कि जब गोलू राजा गाना गा रहे होते हैं तो अचानक से बाई साइड से गोली लग जाती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गोलू राजा वापसी करते हैं लगातार कहीं न कहीं अनुपमा के साथ, तो निशा उपाध्याय के साथ लगातार देखने को मिलते हैं। फिलहाल अब जिस तरह से भोजपुरी दुनिया में कुछ सही हो गया था, लेकिन इसी बीच में फिर से भोजपुरी दुनिया में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि जब से निशा उपाध्याय को गोली लगी है सारे लोग कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो जाए गए हैं कि क्या अब हम स्टेज शो करेंगे या नहीं करेंगे। बिहार में अगर यही हाल रहा तो बहुत सारे कलाकार स्टेज शो छोड़ देंगे, क्योंकि स्टेज शो करने की वजह से ही कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ घट रही हैं। फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में पटना में भर्ती हैं निशा उपाध्याय, वहाँ उनको सही बताया जा रहा है। सारे उनके प्रशंसक लगातार उनके ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि निशा उपाध्याय के बारे में क्या सोचते हैं। जल्दी से अपनी राय कमेंट करके भेज दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं उस स्वामी, शुक्रिया।